आप देख रहे हैं नेशनल टुडे लाइव धनबाद का लोकप्रिय न्यूज चैनल। मैं हूं सरता। चलिए खबर की ओर। पूरे भारत में लॉकडाउन 4 चल रहा है, उसे देखते हुए झारखंड अस्मिता जागरण मंच ने 31 मई तक खिदमत करने के लिए धनबाद के मटकुरिया चेक पोस्ट पर डेली प्रतिदिन प्रवासी मजदूरों के लिए पानी की बोतल, नाश्ता और खाना का इंतजाम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि प्रवासी मजदूरों को काफी दिक्कतें हो रही है, उसे देखते हुए आज छठा दिन है हम लोग का मटकुरिया चेक पोस्ट पर। जितने भी 35 से 40 बस यहां से प्रवासी मजदूरों की गुजरती है, उसके लिए हम लोग शिविर लगाए हैं झारखंड अस्मिता जागरण मंच के बैनर तले। और वो सभी 40-45 बसों का हम लोग भोजन, नाश्ता, पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं। और 31 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा, 31 तारीख तक ये प्रोग्राम हम लोग का चलता रहेगा। कल ईद का दिन था। हमारे झारखंड अस्मिता जागरण मंच के जितने भी सदस्य हैं वो लोग सुबह में ईद की नमाज़ सब लोग अपने घर पर अदा किए, और ईद की नमाज़ अदा करने के बाद 10 बजे से हम लोग बैठे, और हम लोग जो है वो प्रवासी मजदूरों के साथ रात 10 बजे तक ईद की खुशियां मनाएं, पानी, खाना, नाश्ता दे करके। और हमारा ये मंच 31 तारीख तक लगातार प्रवासी मजदूरों के साथ खड़ा है। अब हाँ, तो आज के इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। विदित हो कि पिछले 5 दिनों से हम लोग झारखंड सजायती मंच के तरफ से प्रवासी मजदूर जो विभिन्न राज्यों से आ रहे हैं उन लोगों का सेवा में हम लोग यहाँ पर मटकुरिया चेक पोस्ट पर बिस्किट, पानी और खाना का व्यवस्था आज छठा दिन हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं। और हम लोग ऐसा उम्मीद करते हैं, हम लोग का पूरा प्रयास है कि वो प्रवासी मजदूर जितने भी विभिन्न प्रदेशों से आ रहे हैं वो लोग भूखे प्यासे हैं, उन लोगों की सेवा में हम लोग लॉकडाउन जब तक रहेगा 21 मई तक, तब तक हम लोग